गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम उसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के केंद्र कौन कौन से थे। तो ध्यान रहे, हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, वो पाकिस्तान, भारत और एक दो जगह अफगानिस्तान फैली हुई थी। और हमारे इतिहासकार बताते हैं कि वो विश्व की एक मेसोपोटामिया सभ्यता, आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो उसके समकालीन सभ्यता थी, क्योंकि उनके आपस में व्यापारिक संबंधों की कुछ चीजें सामने आई हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसके समकालीन रही होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके सबसे पहले स्थल हड़प्पा के बारे में कि ये कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और इसी सभ्यता का प्रमुख केंद्र है हड़प्पा। विद्वानों का मत है कि ये नगर भी मोहनजोदड़ो की भांति जो है इस साम्राज्य की राजधानी रहा होगा। और ये स्थित है आज का जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर मिंटगोमरी जो जिला है उसके पास स्थित है। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने और इसी के नाम से ही हम पूरी सभ्यता को नाम देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये उसका एक प्रमुख केंद्र रहा होगा और बताते हैं कि ये भी एक प्रकार की उस सभ्यता की राजधानी रही होगी। तो मोहनजोदड़ो है बच्चों पाकिस्तान के सिंधु प्रदेश के लरकाना जिले में और ये कराची से लगभग 320 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसकी खोज की थी बच्चों राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1921-22 के टाइम में। और इस क्षेत्र से हमें बहुत सारी चीजें मिली जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक विकसित सभ्यता के रूप में थी, क्योंकि ये नगर एक योजना के अनुसार बसाया गया था। जिस प्रकार आज का जो हमारा चंडीगढ़ आप सभी जानते हो उसे योजनाबंद तरीके से बसाया गया था, बिल्कुल उसी प्रकार ये जो मोहनजोदड़ो है ये भी एक प्रकार से योजनाबंद तरीके से बसाया गया था। और जब इस नगर की खुदाई की गई बच्चों तो उसमें 7 तह मिली, मिट्टी की 7 परतें मिली। तो हमारे विद्वानों का इतिहासकारों का अनुमान है कि ये नगर 7 बार उजड़ा और बसा होगा, इसीलिए वो मिट्टी की 7 तह इसके अंदर मिली है। और इसकी एक मुख्य विशेषता ये है कि इस शहर के अंदर जो गलियां हैं, इस नगर की जो गलियां हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती है, यानी कि चौड़ी सीधी गलियां और एक प्रकार से विकसित सुंदर तरीके से बनाई गलियां जो एक को गली दूसरे को समकोण पे काटती है। तो इसका आज हम देखते हैं बड़े बड़े सेक्टर होते हैं उनके अंदर जो गलियां होती है वो इसी टाइप की होती है, बिल्कुल उसी टाइप की पक्की गलियां उस समय मोहनजोदड़ो के अंदर उसके जो है साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बच्चों हम इसका जिक्र करते हैं कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो बहुत सारी चीजें मिली वो हड़प्पा से मिलती जुलती थी, इसीलिए उसको इसका केंद्र माना गया है। और दूसरी बात है बच्चों कि ये नगर है जो कच्ची ईंटों से बने एक चबूतरे पे बसा हुआ था, तो इसलिए इसे अंदाजा लगाया जाता है कि लोगों ने जो अपने घर चबूतरे पे बनाए हैं, क्यों? क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ या उन चीजों से बचने के लिए बनाए होंगे। यहाँ से अनेकों चीजें मिली है, उद्योग धंधों के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, तांबे हाथी दांत की बहुमूल्य पत्थर की चीजें मिली है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये नगर उस समय का महत्वपूर्ण नगर रहा होगा। नेक्स्ट हम इसका केंद्र पढ़ते हैं बच्चों धोलावीरा। अब ये धोलावीरा कहाँ है? ये है गुजरात और आप सभी जानते हो गुजरात तो हमारा स्टेट है। तो हमारे जो भारत का जो गुजरात है इसके अंदर धोलावीरा एक केंद्र मिला है। इसमें भी जो खुदाई में चीजें मिली है वो हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती है, इसीलिए हम इसको भी हड़प्पा सभ्यता का केंद्र मानते हैं। यहां से मनकों में छेद करने वाले उपकरण, मनके क्या होते हैं जो आप माला वगैरह में देखते हो, उनमें छेद करने के उपकरण मिले हैं। तो इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे मनके बनाने का काम काफी ज्यादा विकसित रहा होगा। और एक जलाशय के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो जिससे खेतों वगैरह में सिंचाई की जाती होगी। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लोथल। लोथल जो है वो भी गुजरात में है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक विकसित केंद्र था। और लोथल से हमें बहुत सारे अनाज के कुछ दानों का भी पता चला है, तो ये भी हो सकता है कि लोथल एक बंदरगाह रही होगी, क्योंकि वहां बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं। बंदरगाह बच्चों आप जानते हो विदेशों से जब व्यापार किया जाता है तो समुद्री मार्ग से जो बंदरगाहें होती हैं वो बनाई गई होती हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके लोथल की चीजों के बारे।
तो लोथल में भी 6 बार बसने और उजड़ने के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है, ये थे हमारे मेन केंद्र, और बाकी छोटे छोटे केंद्र है वो आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझ आ जाएंगे। मुख्य चीजें यही थी। नेक्स्ट इसका एक हम वो भी पढ़ दोबारा से कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो की एक मुख्य विशेषता हमसे छूट गई थी, वो है मोहनजोदड़ो का स्नानागार, विशाल स्नानागार, यानी कि बहुत बड़ा स्नानागार मिला। उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कोई धार्मिक उत्सव पे वहां पे बहुत सारे लोग हो सकता है एक साथ स्नान करते हो। एक टाइप सीढ़ियों द्वारा बनाया गया एक विशाल स्नानागार मिला है उस खुदाई के दौरान। तो और माल गोदाम जहाँ पे हम अनाज को स्टोर करते हैं, तो ये भी माना गया कि वो लोग काफी समझदार थे, खाने पीने की चीजों को स्टोर करके भी रखते थे, बहुत सुंदर साफ चौड़ी गलियां। तो इस सब चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग काफी पढ़े लिखे होंगे और काफी समझदार रहे होंगे। एक मुख्य बात और है बच्चों, यहाँ की गलियां चौड़ी और उसके साथ की जो नालियां है ना बच्चों, वो ईंटों से ढकी होती थी, यानी कि अगर नाली में कचरा गिर जाए तो ईंटों को हटा के नाली की सफाई आराम से की जाती है, और नाली को ढका इसलिए जाता था ताकि जो है कचरा उसमें जाए ना। तो एक बहुत सभ्य तरीके से नालियों को ढकने की एक व्यवस्था थी। और इसी चक्कर में हम एक चीज और डिस्कशन कर लेते हैं कि जो इसका विस्तार है उत्तर में कश्मीर से लेके इधर उत्तर प्रदेश में, और नीचे आ जाओ आप जो है दायमाबाद महाराष्ट्र के, और इधर वाली साइड इसका है गुजरात में। तो यानी कि इस एरिया के अंदर एक स्ट्रक्चर बन गया पूरा त्रिभुजाकार। इस त्रिभुजाकार आकृति में बहुत सारी ऐसी जगह आती है जिनके अंदर ये हमारी हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई है। एक सोतुघई नाम का जगह है अफगानिस्तान में, तो वहां से भी इसके प्रमाण मिले हैं कि वहां सिंचाई के कुछ प्रमाण मिले हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते, और कुछ जगह पाकिस्तान में है और लगभग जगह भारत में है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके केंद्र की जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। और बच्चों एक चीज हम पिछली वीडियो में भूल गए थे, काल निर्धारण, यानी कि इसका समय कब से माना जाता है। तो जो हमारी कार्बन डेट है वो है, जो हमारे इतिहासकारों ने मानते हैं और बहुत सारी किताबों में मैंने पढ़ा है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व तो आप सब जानते होंगे, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। काल को इसी विभाग में बांटा जाता था, ठीक है, और कई किताबों में इसे 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये था इसका काल निर्धारण, यानी कि इस समय में ये सभ्यता फली फूली होगी। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम इसके कुछ और चीजों के बारे में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए ध्यान से। थैंक यू।